हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी देख रहे होंगे आप, अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मतलब जैसे रोज़ पूजा करते हैं रोज़ सफाई तो होती है, लेकिन मैं आज कर रही हूँ बिल्कुल डीप क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी दिन से हुई नहीं थी, हो गए 20 दिन से हो गए होंगे, इतने दिन से नहीं हुई थी। सो मैंने कहा चलिए क्लीनिंग कर देते हैं मंदिर की, और क्यों ना वीडियो भी डाला जाए इसका, मंदिर क्लीनिंग का। तो मैंने फिर ट्राइपॉड पे फ़ोन भी लगा दिया था शूटिंग करने के लिए। और ये देखिए मैं कर रही हूँ, पहले मैंने ये पूरे मंदिर एकदम साफ पूरा एकदम खाली कर दिया, जितने भी भगवान जी थे सब बाहर निकाल दिए हैं। और फिर मैंने ये कपड़े से पूरा साफ़ कर लिया है मंदिर। और अभी ये झाड़ू ली थी मैंने, मैं वहाँ से लाई थी वृंदावन से, ये झाड़ू है मोर के पंख जो होते हैं ना उसकी झाड़ू है। सो उसी झाड़ू से मैं इसको ऐसे साफ़ कर देती हूँ पूरा, ऊपर से इस अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये एक मैट सा है रेड कलर का, ये मैट मैं पहले ये मैट बिछा देती हूँ मंदिर में, फिर उसके ऊपर से कपड़ा बिछा देती हूँ। कपड़े वही लाल या पीले कलर का ही कपड़ा, ज़्यादातर मैं पीला कलर नहीं, मैं लाल कलर यूज़ करती हूँ नीचे भगवान जी के कपड़ा बिछाने के लिए। मैं यहाँ पे देखिए ये रहा, ये थोड़ा सा ये मैंने जो इसकी किनार पे ये गोटा लग रहा है ना, ये मैंने घर पे खुद ही लगाया था, ये सिंपल था, ये गोटा मैंने घर पे खुद ही लगाया था। तो ये जो होते हैं कपड़े, दो मेरे चार कपड़े हैं भगवान जी के ऐसे नीचे बिछाने के लिए, उन्हीं को मैं चेंज कर करके बिछाती रहती हूँ। पहले था जो पहले बिछ रहा था वो ऑरेंज कलर का था, और अभी ये रेड कलर का। इधर देखिए मेरा बेटा जग गया था, सो कह रहा था मामा क्या कर रहे हो, तो ट्राइपॉड पे फ़ोन लग रहा था, तो वो अपना हाथ ऐसे से दिखा रहा था, देखिए दिख रहा होगा आपको, अपना हाथ कैमरे के आगे ऐसे लगा देता है। देखिए मैंने ये कपड़ा पहले मैट बिछा दिया है, फिर मैंने ये कपड़ा बिछा दिया है। अब मैं जितने भी भगवान जी की तस्वीरें जितने भी हैं उनको सबको कपड़े से अच्छे से साफ करके उन्हें उनकी जगह पे ही रख दूँगी। देखिए मेरी सारी तस्वीरें मैंने उनको उनकी जगह पे ही रख दिया है क्लीन कर करके कपड़े से। वैसे मंदिर की क्लीनिंग रोज़ हम करते ही हैं जब पूजा करते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग कभी कभी हो पाती है, वही 15 दिन में 20 दिन में ही सब लोगों के आए थे, कैसी ही हो पाती होगी, क्योंकि रोज़ नहीं कर सकते हैं, रोज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि इतनी जल्दी होती है ना सुबह जब पूजा वूजा होती है, तो इसीलिए वही महीने में सॉरी 20 दिन में 15 दिन में ऐसे ही मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग अपने मंदिर की। देखिए ये है धन, ये लक्ष्मी, ये हम दिवाली पे लाए थे मेरे हस्बैंड, इसमें पता नहीं क्या सामान है, मेरे को नहीं पता कि ऐसे बोलते हैं लक्ष्मी जी की पता नहीं क्या पोटली वोटली होती है, तो वो मंदिर में रखनी चाहिए। ये मेरे मंदिर में हमेशा दिवाली से ही ऐसे ही मंदिर में रखी रहती है, और सब कुछ मैंने उनको उनकी जगह पे सब कुछ मैंने बिठा दिया है अच्छे से, मंदिर की डीप क्लीनिंग कर दी है मैंने। और अभी मैं करूँगी पूजा, मैं भगवान जी को नहलाऊँगी पहले,
और ये लक्ष्मी गणेश जी से जो दिवाली पे लिए थे उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, उनको उनकी जगह पे। और अभी मैं भगवान जी को नहलाऊंगी, भगवान जी नहलाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने भगवान जी नहला देती हूँ। ये देखिए मेरा बेटा, इसको चैन नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी, अपना हाथ ऐसे दिखा दिखा रहा है। इधर देखिए, ये मैं कर रही हूँ पूजा, मैंने भगवान जी सारे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं पूजा। और ये देखिए मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड कितने बड़े म्यूजिशियन बन रहे हैं। देखिए हारमोनियम बजा रहा है मेरा बड़ा बेटा। मेरे घर पे हारमोनियम अवेलेबल है, मेरे हस्बैंड को शौक है बजाने बजाने का, तो उन्होंने ख़रीदा था। सो देखिए वो बोल रहे थे, चलो बड़े वाले को बोल रहे थे कि चल बाबू मैं तुमको हारमोनियम सिखाता हूँ, छोटा वाला देखो करके गर्दन हिला रहा है, कितने देखो देखो कितने अच्छे तरीके से हारमोनियम सीख रहे हैं देखो दोनों। सो देखिए वो उसने उनको उसको निक्कर भी नहीं पहनाई थी, उन्होंने ऐसे ही बिठा लिया था अपनी गोदी में। देखिए कितने अच्छे तरीके से हारमोनियम बज रहा है, देखो 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 देखो। बच्चों को तो इन चीज़ का इतना शौक होता है ना, बस पूछिए मत। सो ये देखिए वो बोल रहे थे चल मैं आपको हारमोनियम सिखाता हूँ, वो देखिए वो तैयार नहीं है सीखने को, वो कह रहा पापा मैं बजा लेता हूँ अपने आप बजाऊँगा। देख रहा होगा आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से बजा रहा है, वो कह रहा है वो छोटा वाला अभी नहीं रुक रहा, वो अभी वो यूँ कह रहा है मैं सीखूँगा, वो कह रहा है मैं सीखूँगा। ये देखिए, चलिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक